दोस्तों, आज हम कैनन IR5075 रूटीन चेकअप, क्लीनिंग, क्वालिटी और इसमें क्या क्या साफ करना होता है वो चेक करेंगे। पहले हम मशीन बंद कर लेंगे। मशीन बंद करने के बाद हमें कोरोना वायर साफ करना है, जिससे क्वालिटी प्रॉब्लम आती है। यह आप हफ्ते में एक बार या महीने में दो बार कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये स्क्रू खोलेंगे। एक स्क्रू यहाँ पे, एक स्क्रू है अंदर, ये वाला स्क्रू। और यहाँ अंदर एक स्क्रू है। ये तीनों स्क्रू हम खोल लेंगे। उसके बाद ये तीन वायर है, इसे हम खींच लेंगे बाहर। और तीनों स्क्रू निकालने के बाद ये कवर निकालने के लिए इसमें यहाँ लॉक है, ये वाइट वाला लॉक। हम जब ये टोनर फिलिंग का कवर खोलेंगे हॉपर का, तो ये लॉक ऊपर जाता है। लॉक ऊपर जाने के बाद हम इसे बाहर खींचेंगे थोड़ा सा ये कवर को, और फिर इसे लगा देंगे। लगाने के बाद ये आराम से बाहर आ जाएगा। इसे नीचे रख देंगे। उसके बाद हम ये कोरोना खोल लेंगे, ऊपर वाला स्क्रू लूज करेंगे, ये ब्लैक पट्टी को ऊपर करके फिर से फिट, हल्का सा फिट कर देंगे, ये ऊपर रुक जाएंगी। उसके बाद कोरोना निकालेंगे। ड्रम चार्जर कोरोना है ये, इसे साफ कर लेंगे। उसके बाद यहाँ नीचे क्यों कोरोना है, ये स्क्रू है इसका, इसे भी खोल लेंगे। मोटर को पकड़ के हम बाहर खींच लेंगे। उसके बाद यहाँ पे लेजर जो ड्रम पे पड़ती है, उसके बीच में ये कांच आती है, धूल नहीं जाना बोल के हम ये कांच को बाहर खींच लेंगे, पट्टी को, और इसे भी साफ कर लेंगे। ये चार चीज़ें, एक दो तीन चार, ये चारों चीज़ें हमें साफ करना है और इसे बाद में ब्लोर मार लेना है। इसमें यहाँ कोरोना वायर है, ये कोरोना वायर को हम हल्के हाथ से साफ करेंगे। उसके बाद ये कोरोना को साफ करेंगे ऊपर से। यहाँ अंदर कपड़ा डालेंगे हम, यहाँ अंदर कोरोना वायर है, सिर्फ कपड़ा डाल के अंदर घुमाएंगे तो पूरी धूल निकल जाएंगी। कपड़ा अंदर अधर फंसाना है और दोनों तरफ स्लाइड करना है कपड़ा हल्के से, ये साफ हो जाता है। इसके बाद ये कांच साफ कर लेंगे। एक और कोरोना है, वो मैं भूल गया था, ये वाला कोरोना, ये पेपर चार्जिंग कोरोना है। इसका जो काम होता है ये कोरोना पेपर को चार्ज करता है और ड्रम पे से टोनर खींचता है। ये दो स्क्रू खोल लेंगे कवर के इसके। उसके बाद ये एक स्क्रू खोल लेंगे। अब देखिए ये खांचे में अटका हुआ है यहाँ पे, और ये यहाँ पे नीचे खांचे में अटके हुआ है। तो हम पहले इसे बाहर खींचेंगे और ऐसा निकाल, यहाँ एक खाचा है, यहाँ एक है, ये इस तरीके से बैठता है यहाँ पे, और ये खाचा नीचे ये पट्टी में जाके बैठता है, ये वाला खाचा ये पट्टी में। इसे यहाँ लगा के हमें फिट करते वक्त ऐसी लगाना है पट्टी,
लॉक पट्टी कोरोना की, से निकाल लेंगे बाहर। अब ये कोरोना को किस तरीके से निकालना है हमें, इसे पहले बाहर खींचना है, बाहर खींचने के बाद इसे क्लॉकवाइज ऊपर करना है, क्लॉकवाइज ऊपर करके आप इसे आसानी से बाहर निकाल लेंगे। उसके बाद ये कोरोना को यहाँ पे लॉक है ये कवर के, इसे ऐसा बाहर खींच के निकालेंगे। ये देखिए ये कवर निकल गया है, यहाँ अंदर एक कोरोना वायर है ये देखिए, और यहाँ एक कोरोना है, यहाँ बीच में कोरोना इस वास्ते नहीं है कि कभी कभी क्या होता है पेपर पे मॉइस्चर आ जाता है ना, तो टोनर वहाँ चिपकता नहीं है, तो ये कोरोना निकाल दिया हूँ मैंने। अब इसे हम कपड़ा अंदर फंसेंगे और साफ कर लेंगे। ये देखिए कितनी मट्टी निकली है। अब उसके बाद दूसरी तरफ से हम कपड़ा इसमें डालेंगे अंदर, इसे साफ करने से क्वालिटी अच्छी आती है, पेपर डार्क डार्क पिच आती है। इधर का भी कोरोना साफ कर लेंगे। अब नीचे के कोरोना का पेपर चार्जिंग कोरोना है, इसे हम इसमें ये खांचा है यहाँ पे, ये अंदर खांचा है इसके, ये यहाँ पर जाएगा ऐसा। हम पहले दबाएंगे इसे, अब उसके बाद इसे उठा के थोड़ा सा उठा देंगे। ये पांच चीजें साफ करनी होती है। यहां पे भी ब्लोर मार सकते हैं हम, ये देखिए इसके जो कोरोना के कॉन्टैक्ट है ये और ये यहाँ स्प्रिंग पे आके लगेंगे, ये एक स्प्रिंग है ये दूसरा स्प्रिंग है। सबसे पहले हम कोरोना को जिस तरीके से बाहर निकाले थे उसी तरीके से इतनी दूर रखेंगे, थोड़ा ये जो पट्टी है यहाँ की पट्टी से यहाँ से इसे इंसर्ट करेंगे इस तरीके से, ये देखिए यहाँ से इंसर्ट हो गया है। अब इसे नीचे करेंगे, दिख रहा है, और यहाँ से उंगली से दबा के हम इसे अंदर ढक लेंगे। ये देखिए दोनों स्प्रिंग में जाके लग गया है, यहाँ पे भी खांचा होता है इसके, ये देखिए ये यहाँ मेटल की पट्टी में जाके लगता है, ये देखिए ये खांचा जो है, ये देखिए यहाँ पे यहाँ अटका है, इसे दबा के पुश करके ये अंदर लगा दिया है। अब यहाँ की पट्टी लगाने के लिए ये अंदर फिट हो गया, ये खांचे में ये और ये खांचे में यहाँ इंसर्ट होगा, यहाँ से इस तरीके से
अब यहाँ हम इसका स्क्रू लगा देंगे। उसके बाद इसका कवर लगा देंगे। इसके दो स्क्रू है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। अब इसे यूनिट को अंदर कर देंगे और इसे भी बैक टू बैक का यूनिट है, इसे भी अंदर कर देंगे। ये कांच को दोनों तरफ से पकड़ के ऐसा साफ करना है। उसके बाद यहाँ पे इसका ब्रैकेट बना हुआ है, इस ब्रैकेट में ये कांच नीचे से और ये पट्टी है इस तरीके से ये अंदर जाएंगी और इसे उंगली से पुश कर देना है, ये बैठ गई है। उसके बाद हम ड्रम चार्जिंग करोना लगाएंगे। ये खांचे है इसके अंदर, ये गाला बना हुआ है, ब्रैकेट में हम इसे डालेंगे। ये फिट हो गया। अब स्क्रू ड्रायर की मदद से हम इसे कोरोना के लॉक को लूज करेंगे। पट्टी नीचे आ गई है, इसे थोड़ा सा दबाएंगे अंदर और नीचे आ गई है। नीचे आने के बाद हम स्क्रू हल्के से फिट कर देंगे। ये फिट हो गया है। अब उसके बाद हम क्यू कोरोना लगाएंगे। क्यू कोरोना लगाने के लिए ये जो खांचा है, ये पट्टी, ये ब्रैकेट में जाएंगी अंदर, यहाँ पे ये ब्रैकेट में, ये देखिए। ये देखिए, हमें इस साइड दबा के पुश करना चाहिए इस तरफ से। और ये जो खांचा है, ये प्लास्टिक का खांचा, ये वाला जो खांचा है ये यहाँ जाएगा रॉड में, पीछे एक रॉड है लोहे की, ये उस पर जाएगा और यहाँ पे जो होल है ये यहाँ ऊपर जाएगा, ये देखिए ऐसा। अब ये लीवर को ऊपर करना है हमें, ये देखिए, ये लीवर को ऊपर करके ये गियर पे चढ़ाना है, इसे ये पुश कर दिए। ये देखिए इस पे टिक गई है, ये पट्टी इस पर टिक गई है गियर पे। अब इसका स्क्रू लगा देंगे। इसका लंबा स्क्रू है। वो देख के लगाएंगे। अब हम कूलिंग यूनिट लगाएंगे, कूलिंग फैन फ्रंट का। इसे यहाँ पे हम इसे नीचे करेंगे थोड़ा सा, अंदर लगाएंगे नीचे करके, ये देखिए चले गया। अब इसे ऊपर कर देंगे, ये बैठ गया है। इसके तीनों स्क्रू लगा देंगे। यहाँ पे एक स्क्रू है, स्क्रू लगाना है। दूसरा स्क्रू यहाँ अंदर है। यहाँ पर है। तीनों स्क्रू अब फिट कर देंगे। पहले तीनों को हल्के हाथ से फिट करना है, फिर बाद में फिट कर देना है तीनों स्क्रू को। इसका सॉकेट लगा देंगे और लीवर ऊपर कर देंगे।
इसका स्कैनर भी हम साफ कर लेंगे। पट्टी को बाहर निकालेंगे। यहाँ पे कांच हमें ऐसी नहीं उठानी है, ऐसे उठाने में क्या होता है, ये ब्रैकेट, ये दोनों ब्रैकेट टूट जाते हैं। तो हमने पहले कांच को दोनों हाथ रख के इस तरीके से राइट साइड में स्लाइड करना है और फिर कांच उठा लेना है। स्कैनर का लैंप साफ कर लेना है। यहाँ पे इसका मिरर है। यहाँ ऊपर एक मिरर है। इसे सरका के नीचे का भी मिरर साफ कर, तीन मिरर है, तीनों मिरर साफ कर लेंगे। एडीएफ की पट्टी को हम दोनों तरफ से नीचे से और ऊपर से साफ कर लेंगे और ये दो ट्रैक है जिसपे स्कैनर चलता है, ये एक है, ये एक इस पे धूल आ जाती है और यहाँ अंदर एक है, ये देखिए इस पे धूल है पूरी। ये धूल को पूरी साफ कर लेंगे हम ट्रैक को और इस पे ग्रीस लगा देंगे। ग्रीस आपको 5-6 महीने में एक बार लगाना है या धूल ज्यादा रहती है तो आपको हर महीने में लगाना है। तो हम पहले धूल साफ कर लेंगे ट्रैक पे की, ये देखिए, और यहाँ अंदर से भी साफ कर लेंगे। स्कैनर को आगे करके यहां से भी साफ कर लेंगे और इधर से भी। इसमें हम ब्लोअर मार लेंगे। यहां अंदर ग्रीस लगाएंगे। और यहां लगाएंगे। यहाँ अंदर स्क्रू ड्रायर की मदद से लगाएंगे, छोटे स्क्रू ड्रायर की मदद से। स्कैनर को आगे पीछे करना है ताकि जहाँ ग्रीस लगाए पूरा फैल जाए। कांच को हम अंदर से साफ कर लेंगे। कांच को फिट करने से पहले हम इधर रखेंगे और फिर लेफ्ट साइड में से स्लाइड कर देंगे, ये खांचों में बैठ जाएंगे। इसके दो स्क्रू है, दोनों लगा देंगे। दोस्तों ये हमारी क्लीनिंग कंप्लीट हो गई है, इससे आपकी क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। और मेरे चैनल का नाम है बाबा फिक्स, इसे सब्सक्राइब कीजिए
लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स।